YouTube चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने जो है जो भी रोडवेज कर्मचारी है, मैं सभी स्टेट को गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हरियाणा के अंदर जो भी गलतियां हो रही है, जो भी नुकसान जो है आज के टाइम में जो भी लाइसेंस बनवा रहे हैं उनको हो रहा है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारा जो है लाइसेंस का जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाया, किस जितनी भी गलती थी हमारी गलती थी या सरकार की गलती थी या रोडवेज कर्मचारी की गलती थी, वो सब आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को जरूर दबा दें। तो देखिए मैंने जो है आज से एक दोस्त का मेरा एक दोस्त था, उसने जो है आज से 1 साल पहले यानी कि जून में जो है एक हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो है ट्रेनिंग का नंबर, जैसे ही हमने फाइल लगाई थी, आपका ट्रेनिंग का नंबर जो है हम फोन पे SMS द्वारा या फिर कॉल करके आपको बता देंगे कि इतने दिन बाद आपको जो है ट्रेनिंग पे बुला लिया जाएगा, तब आपकी फीस। लेकिन देखिए अब उस बंदे की जो है ट्रेनिंग भी निकल चुकी है जो कि मार्च में थी, मार्च में उसकी ट्रेनिंग भी निकल चुकी है और कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, ना ही कोई मेल किया, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, और उनने जो है वैकेंसी को निकाल दिया। तो अगर आपने भी इस तरह का कोई ड्राइविंग लाइसेंस करने का अप्लाई कर रखा है या फिर आप हरियाणा से हो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है किसी पर भी निर्भर मत रहिए, खुद अपने आप पे निर्भर रहिए और अपने आप ही डिसीजन लीजिए। हर महीने उनसे जाकर कांटेक्ट कीजिए और अपनी फैन जो भी स्लिप होती है उसमें नंबर होते हैं उसको चेक करवाइए। वो नहीं बताते तो आप किसी जो भी इंटरनेट वाले होते हैं, जो फोटोकॉपी वाले होते हैं, दुकानें बहुत होती हैं आजकल, फोन पे भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कब की है। तो इससे आप जो है धोखे में बिल्कुल नहीं रहोगे और ना ही आपको नुकसान होगा, वरना आपकी अगर आपको एक जरूरी काम है तो आपकी 1 साल बेफिजूल में काम खराब हो जाएगा आपका। ऐसा ही मेरे साथ एक दोस्त है, उसके साथ हुआ, तो उसका मैंने फॉर्म भरवाया था, मेरा तो पहले बना चुका है, तो उसका अब उसे बहुत दुख हुआ और वहां पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा से फाइल लगाइए तभी आपका लाइसेंस बन पाएगा वरना नहीं बनेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी सी ये नॉलेज देने वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी पर विश्वास न करें, खास करके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आपको होती है कि आपको काम है उनको काम नहीं है। तो चलो दोस्तों आज के लिए जय हिंद।